ये ना इसमें दोबारा से भर गया है, अंदर फ्लूइड ऐसा फील हो रहा है। इसके मेन जो दिक्कत है ये जो अंदर एक लेयर जैसी बनी हुई है। हाँ जी, सो वेलकम टू अ वीडियो। दोस्तों आज हम मैक्स को लेके जाने वाले हैं रुद्रपुर नौकुचियाताल से, जो कि नौकुचियाताल से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। वहाँ पे डॉक्टर थिन का क्लिनिक है और वहाँ पे हमें मैक्स का जो पुटका बना हुआ है ना वो इंस्पेक्ट करवाना है। डॉक्टर थिन को मिलके हम जाएंगे इसके बाद सीधे पिथौरागढ़ गोस्टू के पास, जहाँ मक्को और गोस्टू इतने दूर बाद मिलेंगे। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, ये देखो इस प्रॉपर्टी में हम रुके थे, ये ग्रीन ग्रीन वाली जो प्रॉपर्टी है, ये देखो लेक है वाओ बगल में ही, और ये बंदा तैर रहा है। मैक्स कहाँ गया? मक्को को सुबह पार्टी करा रहे हैं और हम बस निकल गए, सुबह 8 बज रहे हैं अभी। हम अभी ना डॉक्टर थिन से हमारा अपॉइंटमेंट है तो फटाफट उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे सब कुछ सही रहा तो उसके बाद हम जाएंगे घर। अच्छा, मत तो हम पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे। ये ना इसमें दोबारा से भर गया है, अंदर फ्लूइड ऐसा फील हो रहा है। थोड़ा छोटा तो है ये डेफिनेटली जो डे वन से, बट अभी भी ना काफी बड़ा, बहुत स्केरी लग रहा है देखने में, तो डर लग रही है, डर बहुत जाता है बच्चा मेरा, डरता बहुत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गुड बॉय। ये चढ़ जाओ मैक्स, गर्मी नहीं लग रही तेरे को? जाओ अंदर, ड्रामा मत कर तू, नॉट थिंकी बस। सो डॉक्टर थिन के यहाँ से हम फ्री हो गए हैं। माय गॉड यार, पुअर चाओ चाओ बेचारा यार, हालत देखो इतनी गर्मी में, बाप रे, मैं तो खुद काला कपड़ा पहन लिया है, जैसा लग रहा मर जाऊंगा मैं गर्मी से। खैर डॉक्टर थिन क्या ना, डॉक्टर थिन क्या काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं अभी, बातें बातें हमारी, अभी आपको बताता हूँ मैं। सो बेसिकली डॉक्टर थिन ने मुझे क्या क्या बताया, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये जो सिस्ट बना हुआ है दोस्तों, मैक्स के पीठ में जो सिस्ट बना हुआ है, इस सिस्ट के अंदर अगर आप हाथ लगाते हो तो एक ना सख्त सी लेयर है, एक हार्ड लेयर सी है, और वो जो लेयर है ना हार्ड लेयर, उसकी वजह से ये जो सिस्ट है वो बार बार भर जा रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक छोटी सी सर्जरी होगी, बेसिकली छोटा सा चीरा लगाएंगे और अंदर की जो लेयर है ना उसको वो निकाल के हटा देंगे। अब सर्जरी तो छोटी सी है, पर क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है, कमर पे है वो, तो डॉक्टर थिन का कहना है कि यहाँ पे जो हीलिंग है ना वो हीलिंग बड़ी स्लो होती है, और अगर हम ये प्रोसीजर करवाते तो हमें रुद्रपुर में ही रुकना पड़ता फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। वो कहते हैं एटलीस्ट एक हफ्ता तो रुकना है, बिकॉज वो ऐसी लोकेशन पे है कि वो डॉग ना उसे लिक भी कर सकता है और पैर से भी खुजला सकता है, और जब वो मूव करेगा डॉग, हिलेगा चलेगा, तो वहां पे स्ट्रेच होगा तो अगेन वो प्रॉब्लम होगी। तो जब वो कट लगाएंगे उसके बाद अंदर से लेयर निकालेंगे, उसके बाद वो बोलते हैं कि 3 दिन तक हम सिर्फ उसकी ड्रेसिंग करेंगे ताकि वो धीरे धीरे बह बह के ड्राई अप हो जाए, उसके बाद फिर एक अलग तरीके से उसकी पट्टी करी जाएगी। तो काफी लंबा चौड़ा चक्कर है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अभी कराना जरूरी है सर्जरी, या 4-5-6 दिन बाद भी सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम से यार मैं सब काम वाम छोड़ के हल्द्वानी आया हूँ, तो कुछ प्लान नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है और ऐसा कोई ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, तो आप एक हफ्ता भर ले सकते हो, हफ्ते भर बाद आप आके उसकी जो सर्जरी करके जो स्किन निकालनी है वो आप निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारे लिए भी बेटर हो गया कि अब मैं पिथौरागढ़ जाके एटलीस्ट प्लानिंग कर सकता हूँ, अपने काम भी निपटा सकता हूँ, प्लस हल्द्वानी में जब मैं रहूंगा तो वहां पे एसी वगैरह सब लगवा दूंगा, सो डैट मक्को गर्मी ना लगे। तो खैर ये सब चीजें हुई डॉक्टर साहब के साथ, काफी लंबा डिस्कशन हुआ, बहुत बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। डॉक्टर साहब से तो हम फ्री हो गए, इसके बाद हमें एक साइट के लिए ना मटेरियल सिलेक्ट करने थे। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप लोग शायद रुद्रपुर से तो जानते भी होंगे, महाराजा पीवीसी के नाम से आप वो बहुत फेमस है, हम उनको जानते होंगे। खैर हम वहां जा रहे हैं, वहां पे मटेरियल वगैरह सिलेक्ट करेंगे साइट्स के लिए। तो हम ये सब मटेरियल्स वगैरह देख रहे हैं। मैक्स दरवाजा खोल रहा हूँ, अभी मैं इसको जब चेंज करूंगा तो पूरा कर दूंगा। ये सब काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं?
अंदर तो सोल में। अब दोस्तों मटेरियल तो सिलेक्ट हो गया, साथ में भैया लोगों के साथ हमने लंच वगैरह भी किया, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, मैं शूट बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद हमारी यहाँ से लेके घर पहुंचने तक 2-3 साइड विजिट्स, तो वो हमें निपटानी है और उसके बाद हमें घर के लिए भी निकलना है। तो बस थोड़ा सा हम लेट होते जा रहे थे, और पर ये था कि चलो कोई नहीं, पहुंचना तो ही घर रात तक, पहले हमने काम निपटाया फिर हम घर को गए। तो अभी हम रुद्रपुर से निकले हैं सितारगंज के लिए, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, पर रुद्रपुर में बहुत सारा काम था, वो सारा काम कर लिया हमने। अब हम सितारगंज में, एक मेरी मीटिंग है, मतलब साइड विजिट है, क्लाइंट से भी मिलना है, विजिट भी करना है, तो होपफुली 7 बजे तक हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे और 7 बजे फिर हम पिथौरागढ़ निकलेंगे, विच इज़ क्वाइट लेट, बट आज पहुँचना ही है क्योंकि रास्ते में तो कोई रुकने का सीन है नहीं। बाकी तो नज़ारे तो देखो बढ़िया ही हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर में। यार हम पहुँचे हैं अभी टनकपुर, और यहाँ से ना ये दिखा रहा है 3:50, अभी रात के बज गए हैं 9:15, मतलब हम ऑलमोस्ट 1 बजे तक पहुँचेंगे आज। और आज जाना ना इसलिए ज़रूरी है, हम सीधे घर जा रहे हैं, बिकॉज मैक्स को ना, मतलब मैं नहीं चाहते और अनकम्फर्टेबल रहे भाई, इतने ठंड में भी हमने ना फुल एसी चलाया हुआ है, और बिल्कुल अभी ना लेमटे और दागों ने बोला पानी वानी दे देते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। गाइस लेपर्ड देखा हमने अभी, इतना बड़ा, नीचे चले गया होगा, देखिए उरा उरा मुंडी, कान दिखे मेरे को, कान कान की बोर्ड से नीचे को गया चाहिए यार, उतर के देखना अनुराग एक बार, ये झाड़ियाँ हिल रही हैं क्या, चले गया होगा ना। मैं तो भाई मैं तो फाट करके मैक्स का खिड़की बंद करी पहले, मेरी सी फटी ना भाई, गॉड भाई मजा, अरे इसमें आया होगा डैश कैम में आया होगा ना गाड़ी के, तो मजा आ गया भाई एकदम, फ्रेश हो गए, फ्रेश माइंड एकदम, गूज बम्स देख, शर्म नहीं है ये आपको, मैंने कहा ड्रैग उतर के देख लेता ना गाय लेपर्ड, बहुत सही। अभी दोस्तों हम ना चंपावत पहुंचे हैं, और यहाँ पे ना इतनी ठंड हो गई एकदम से, तो हम सबने ना अपनी अपनी खिड़कियाँ ऊपर चढ़ा ली है, मक्कू वाली खुली हुई है। यहाँ पे जो बाहर का टेम्परेचर है इट्स ओनली 16 degrees, और हवा बहुत ठंडी है, और कितना कॉन्ट्रास्टिंग है ना, आज सुबह हम गर्मी में भाई हालत ख़राब हो गई थी हमारी, धधक गए थे भाई गर्मी से, हालत ख़राब हो गई थी, और अभी देखो कितना मस्त हो गया, और मैं तो टी शर्ट में ही हूँ, तो गाड़ी के अंदर तो कोजी है, उतर के फिर मेरे को ठंड लगेगी पिथौरागढ़ में हल्की हल्की। रात के 1 बजे फाइनली हम पहुंच गए भाई, आज सुबह हम 8 बजे निकले थे भयंकर नौकुचताल से, बहुत ही लंबा ट्रैवल हो गया, पर भाई मज़ा आया, लेपर्ड दिखाना उसके बाद तो फील आ गई एकदम। घर पहुंच गए छोना, अच्छा आओ, अच्छा ये अभी गोस्टू से मिलेगा, ये बन रुक जाओ मैक्स, रुक जाओ बेटू, मैक्स रुक ना, दी हटा दूँ गंदी हो जाएगी बेटू, अरे 1 मिनट पागल, इतना सामान है ना, जा गोस्टू ले, ए गोस्टू नमस्ते दरी, मेरे यहीं सोए हैं देखो, रात हो गई है ना, सब सो रहे हैं, ऑनेस्टली जब भी मैं गोस्ट मैक्स से मिलने आता हूँ, मैं मिलता हूँ या गोस्ट मैक्स मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तो ये बहुत मस्ती करते हैं, और मैं भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, पर हम रात के ना 1:30 बज चुके थे, सब सो चुके थे, इसलिए ना हम शोरों नहीं मचा पाए, बहुत शांति से ही प्यार मोहब्बत कर ली हमने जो करनी थी, प्लस मैं बहुत थक गया था, सुबह 8 बजे निकले यार हम, रात को हम 1 बजे पहुंचे, आप सोचो उस दौरान मैंने या तो काम करा या तो हॉस्पिटल या तो गाड़ी चलाई है, सो इट वॉज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी, वेरी एग्जॉस्टिंग। वो तो भला उस लेपर्ड का जो लेपर्ड हमें दिख गया, तो मेरी अंदर एकदम एनर्जी आ गई उसके बाद, नहीं तो मैं बड़ा थका फील कर रहा था,
खैर इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद ऑब्वियसली हम सो गए थे तो कुछ आगे कहानी हुई नहीं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल हमसे मिल लेना, एक हमारे बहुत स्पेशल दोस्त आ रहे हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कितनी गजब की चीज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।